साल 2012 में आया सॉन्ग एम्प्टीनेस तूने मेरे जाना 2012 का सबसे पॉपुलर गानों में से था, जिसके साथ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी, जिसे गजेंद्र वर्मा ने गाया था, जिनका हाल ही में नया गाना तेरा घाटा रिलीज हुआ है। आज की इस वीडियो में हम गजेंद्र वर्मा की स्टोरी जानेंगे कि कैसा रहा है उनका अब तक का सफर। गजेंद्र वर्मा का जन्म हरियाणा के शहर सिरसा में हुआ 20 अप्रैल 1990 को। गजेंद्र वर्मा के फादर सुरेंद्र वर्मा एक जाने माने टीचर एंड पोइट हैं। गजेंद्र वर्मा का बड़ा भाई विक्रम सिंह म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर है। गजेंद्र वर्मा ने म्यूजिक की बेसिक ट्रेनिंग अपने फादर एंड अपने बड़े भाई से ली है। अपनी 11वीं करने के लिए गजेंद्र वर्मा जयपुर शिफ्ट हो गए, जहाँ के आर्मी स्कूल से गजेंद्र वर्मा ने अपनी हायर स्टडीज की पढ़ाई पूरी की है। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करने के दौरान गजेंद्र वर्मा अपने स्कूल में ही बहुत से फंक्शंस एंड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे एंड ज़्यादातर जीतते भी थे। गजेंद्र वर्मा ने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत 12th करने के बाद ही शुरू कर दी थी, जिसके दौरान 12th के बाद गजेंद्र वर्मा ने AIEEE का एग्ज़ाम दिया था। लकली उसमें सेलेक्ट भी हो गए थे। आगे फर्दर स्टडीज को पूरा करने के लिए अपना करियर एज अ इंजीनियर परस्यू करने के लिए, लेकिन अपना करियर एज अ सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए गजेंद्र वर्मा मुंबई आ गए। जब 2012 में गजेंद्र वर्मा का पहला सॉन्ग एम्प्टीनेस तूने मेरे जाना रिलीज हुआ था, उसके साथ ही एक स्टोरी स्प्रेड हुई थी कि ये गाना रोहन राठौर नाम के व्यक्ति ने लिखा है, जो कि एक IITian है IIT गुवाहाटी से, जिसे एक लड़की ने धोखा दिया है जबकि वह कैंसर बीमारी का शिकार है, जिसके कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई। कुछ टाइम बाद जब ये सॉन्ग अच्छे से वायरल हो चुका था, जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि रोहन राठौर कौन है IIT गुवाहाटी से, तब ये पता चला कि रोहन राठौर नाम का कोई व्यक्ति असल में है ही नहीं। इस गाने के राइट्स को लेकर कोर्ट में भी काफी सुनवाई हुई, जिसे गजेंद्र वर्मा दावा कर रहे थे कि ये सॉन्ग उन्होंने गाया है। गजेंद्र वर्मा ने ये सॉन्ग किसी को दिया था उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए इस सॉन्ग को लेकर, लेकिन ये सॉन्ग ऑनलाइन लीक हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। अपनी बात को पूरा करने के लिए गजेंद्र वर्मा ने एम्प्टीनेस सॉन्ग एल्बम से जुड़े बाकी सारे गानों को रिलीज करा, लेकिन तब भी कुछ को गजेंद्र वर्मा पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने एम्प्टीनेस तूने मेरे जाना से रिलेटेड सॉन्ग के राइट गजेंद्र वर्मा के नाम कर दिए। गजेंद्र वर्मा ने अपना करियर के दौरान काफी बढ़िया सॉन्ग अपने ऑडियंस को दिए हैं, जैसे कि मन मेरा, मुझे इश्क से, कुड़ी तू बटर, तौर मित्रा दी, मन जागे, हर कोई, ओ हम नवा, तेरा ही रहूं। हाल ही में रिलीज हुआ गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग तेरा घाटा काफी पॉपुलर हो चुका है। YouTube पर तेरा घाटा के 90 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। गाना.com पर यह टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट में है।